खराब हो गया था ना, तो मैं दांत मांजने के लिए ब्रश लेके आई हूँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज भी थोड़ा ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह मैं उठी थी 6:30 बजे, लेकिन मैं 1 घंटा लेट उठी थी, वो भी किसकी वजह से मैं बताऊँ आपको, किसकी वजह से। ये देखो, ये जो मैडम आ रही है ना, इनके चक्कर में लेट हो गई मैं आज उठने के चक्कर में। मैंने सोचा था कि मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में कितना काम है। सुबह 5 बजे उठती तो मैं दिखाती आपको, सुबह से 1 घंटा लेट उठी थी मैं, 6:30 बजे। 6:30 नहीं 7 बजे। 7 बजे उठी थी, 7:30 इसलिए। हाँ, तो आज बुआ लेट उठी थी, इसलिए बुआ के चक्कर में। हम सारे एक साथ होते हैं, पापा भी लेट उठे आज, सब लेट उठे, पापा 6, मम्मी 6:30, सब। मतलब आज सब भी लेट उठे हो। तो हाँ, आज मैं सोच रही थी कि आज मैं उठूंगी 5 बजे और आपको दिखाऊंगी जो मेरी फैमिली है उनका क्या रूटीन है, मतलब किस टाइम ये, मतलब हमारे घर में सिर्फ मम्मी बुआ और पापा ही काम करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाती कि ये लोग कितने बजे उठते हैं और कितने बजे तक क्या क्या काम करते हैं, मैं आपको सब दिखाती आज। और मैं उठी भी थी, मैं उठी थी सुबह 4 बजे, तो मैंने बुआ को देखा, मैं एक आँख खोल के देखी, मैंने कहा है बुआ तो खुद सो रही है, तो मैं भी सो जाती हूँ। मुझे लगा बुआ उठेंगी, लेकिन थोड़ा रुक के, मेरी तबीयत खराब थी ना, मैंने कल दवाई खाई थी बहुत सारी। है, बुखार हो रहा था ना, दवाई खाई थी। अच्छा, बुखार हो रहा था, दवाई खाई थी, लाई थी ना, 2 बार ज्यादा की दवाई लाई, 12 बजे आई जाओ लेट, फिर 3 बजे उठी मैं, सारी रात उठती रही तो मुझे नींद नहीं आई थी। अच्छा, इससे थोड़ा लेट हो गई थी, खराब रही थी। तो ये देखो, आज मम्मी कर रही है कपड़ों की रिजेक्ट, मम्मी कर रही है वंश प्राची के कपड़े रिजेक्ट, तो इतने सारे कपड़े रिजेक्ट कर दिए। और मम्मी क्या बोल रही हैं, जो हम अपने काम के लिए लाए थे, बताऊंगी मम्मी, मना मत करो। ये देखो, हमारा जो भूत के जो कपड़े थे ना, मम्मी कहाँ रख दिए, बुरा दे पे। तो मम्मी क्या कह रही है कि हमारे जो, मम्मी क्या बोल रही हो, हमारे जो हमने वो करी थी, मतलब वीडियो शूट करी थी, उसमें जो हमने भूत के कपड़े बनाए थे, उसमें से मम्मी कह रही है कि पेटीकोट बन जाएगा। वो हमारे काम आएंगे, बोलना चाहिए ऐसा। मम्मी कह रही है कि वो कपड़े इस्तेमाल नहीं होंगे। तो बुआ क्या बोल रही हो, बुआ कपड़े हमारे काम के हैं, क्योंकि अभी हम नौराते आएंगे तो किसी बच्चे को अगर हमें काली बनाना पड़े या शिव जी बनाना पड़े तो काम। हाँ, उस चीज में किसी न किसी चीज में हमारे काम के कपड़े हैं। हाँ, तो इस वजह से तो मैंने इसमें रख दिए थे। बच्चे हमसे मांगे के काली बनना है तो उनको भी दे सकते हैं, काली बनने के लिए, शिव जी बनने के लिए। हाँ, इस वजह से तो मैंने पलंग में रख दिए कि वो हमारे काम आएंगे। और मम्मी कल से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मम्मी के लिए कमेंट आया है। तो ऐसी प्यारी प्यारी सी कमेंट्स करा करो, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है और बहुत दिल से खुशी होती है। आप लोग इतनी अच्छी कमेंट करते हो, तो मम्मी तो कल से बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, मेरे लिए आज तक कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया, मतलब जिसको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो, कि मतलब मुझे आप लोग बोलो कि हाँ, मैं भी काम करती हूँ, ब्लॉगिंग भी करती हूँ साथ में, और घर का भी काम करती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा हो गया, और क्या, झाड़ू पोछा में आधा काम तो खुद कर देती हूँ, बिस्तर खुद झाड़ती हूँ, और खुद करती हूँ, बस सिर्फ ये झाड़ू पोछा, वो भी कभी कभी। नहीं, झाड़ू पोछा करती नहीं हूँ मैं, कभी कभी झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन कभी आप लोगों ने मेरी तारीफ नहीं की कि मैं बहुत अच्छी सफाई करती हूँ, है ना मम्मी। अच्छा, सच बताना मम्मी, सच बात बताना, झाड़ू पोछा मैं साफ अच्छी सफाई से करती हूँ या गंदा करती हूँ? सही से बोलो। हाँ, अच्छे करती है। हाँ ना, करती हूँ ना, अच्छा। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भी आप लोग तारीफ करो। तो बाकी मुझे ना खुशबू आ रही है, वो भी भिंडी की, तो बुआ भिंडी बना रही है। तो ये देखो, बुआ भिंडी बना रही है और इसकी खुशबू आ रही है घर में, है बुआ, इसकी जो भिंडी की खुशबू आ रही है ना, अंदर तक आ रही थी खुशबू। अच्छा, आज बुआ ने सिल पे चटनी भी पीसी है, ये लहसुन की होती है, इसमें क्या क्या डलता है बुआ? लहसुन और
बस चार चीज़। मैंने ना कभी चटनी वगैरह खाई नहीं। काजल की फेवरेट चटनी। हाँ काजल दीदी, शिल्पा दीदी की। काजल ये तो बहुत पसंद करते हैं। तो मम्मी भी आ गई है और मम्मी ने आज पहनी है येलो कलर की साड़ी, क्योंकि मम्मी का आज फास्ट है। मम्मी इससे पता चलता है वीरवार का बर्थडे। हाँ इससे पता चलता है, मम्मी की पीली साड़ी से पता चलता है आज वीरवार है और मम्मी का फास्ट है। तो ये देखो हमारा खाना तो रेडी हो गया है, मस्त सिलपट्टे वाली चटनी और टेस्टी सी भिंडी, और ये बनी है ढाबे के लिए चटनी। तो मम्मी भी फ्री हो गई हैं, मम्मी भी नहा के आ गई हैं और मम्मी ने आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और मम्मी चाय पी रही है क्योंकि मम्मी का आज खाना तो खा नहीं सकती मम्मी। हाँ बाकी हमने भी खाना नहीं खाया तो मम्मी भी आ गई नहा के, तो मम्मी एक साथ ही खाना कर लो। मैंने खा लिया मम्मी तो बहुत तेज है। मैंने खा लिया। तो चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होने जाऊंगी क्योंकि मार्केट जाना है आज। आज तो वीर बाजार है, मेरा फेवरेट दिन है। बाकी आज खाने में भिंडी रोटी और काली दाल की खिचड़ी और चटनी। ये चटनी इतनी पुरानी है कि ये गांव वगैरह में खाते हैं, और ये चटनी बुआ की जो अम्मा थी ना, ये जब से चलती आ रही है, इतनी पुरानी चटनी है ये। जो भी इसे खाएगा ना, एक रोटी दे दो उसे, वो दोबारा रोटी मांगेगा। और जो बीमार होता है ना उसको एक रोटी इससे दे दो, उसका सारा जीभ का टेस्ट भी सही हो जाता है। और ये चटनी इतनी पुरानी है, इसमें डलता है बहुत सारा लहसुन भर के। तो बुआ बनाती है ये। बुआ ये तुम्हारे ये दादी के टाइम की है? हाँ हमारी दादी खाती थी जब हम छोटे थे बहुत। हाँ तो दादी बनवाती थी तो हम दादी को ही देखते थे अपनी। अच्छा सिल्पे बनाती थी, तो फिर जैसे ही हम थोड़े थोड़े बड़े हुए 10-15 हमने भी सीख ली बनानी। अच्छा तब से ये हमारे यहाँ खिचड़ी चटनी भी बनती है, और चावलों के साथ, खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ खाते हैं। और बाकी हमारे घर पे मिक्सी भी है, लेकिन ये चटनी ना बुआ सिल पे ही पीसती हैं और बहुत टेस्टी लगती है। अगर एक रोटी खा लो ना, दोबारा मांगोगे इससे। सो गाइस फाइनली हम मार्केट से आ गए हैं। मैं जल्दी से खाना वाना खा के मैं जल्दी से रेडी होके हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि हम लेट हो गए थे बहुत ज्यादा इसलिए, और गर्मी का टाइम है इसलिए हम जल्दी गए और जल्दी से आ गए। और मैं देखो अपने लिए क्या लेके आई हूँ, मेरा ब्रश खराब हो गया था ना, तो मैं दांत मांजने के लिए ब्रश लेके आई हूँ, इससे सही बन जाएंगे। और दिखाती हूँ और सामान क्या लेके आए हम। बस यही लेके आए हम सामान, चूहेदान जो कि हमारा काम का है, और बायफर टूट गया था होली पे, हमारा बायफर टूट गया था ऊपर का, तो ये लेके आए हैं। और पापा ने छन्नी मंगाई थी, छन्नी लेके आए हैं चाय की। पापा देखना सही है? हाँ सही है। सही है, सही है। ज्यादा बड़ी तो नहीं लग रही? ना ना सही है, इतनी बड़ी बात है। और ये किचन के लिए लेके आए हैं। बाकी ये देख लो मौसम आज कितना अच्छा हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा सा और ऑरेंज सा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा कि हम मार्केट में ना मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं चला गया, और हम पानी भी नहीं लेके गए, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो मैं क्या करती, फिर मैंने ना एक ये पेप्सी खरीद ली, पूरे रास्ते पेप्सी वगैरह पी, जब थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब तो होली भी चली गई है, गर्मी आ गई है, अब तो गर्मी और आएगी, और हम तो भाई कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा, इतनी गर्मी हो जाएगी। जब पहले सर्दियां थी तो बोलते थे गर्मी कब आएगी, अब गर्मी आ गई है तो अब बोल रहे कि सर्दियां कब आएगी। मेरे को नॉर्मल ही मौसम पसंद है, जैसे कि जब मेरा बर्थडे आता है नवंबर में, हैं बुआ नवंबर में मेरा बर्थडे आता है, बताओ वो वाला मौसम ज़्यादा अच्छा होता है या ये वाला? है ना, हाँ नवंबर का ज़्यादा अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। बाकी मम्मी खाना बना रही है तो देखने चलते हैं आज मम्मी ने सब्जी में क्या बनाया है, चलो चलते हैं। मम्मी कर रही है खाने की तैयारी, तो मम्मी आज खाने में क्या बना रही हो? सोयाबीन की बरी। तो मम्मी मसाला पीस रही है मिक्सी पर, और आज बन रहे हैं आलू और बड़ी। तो आलू बड़ी ना मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, यम्मी से बनाती है, तो इसमें डलेगी बड़ी, आलू और बड़ी वाली बड़ी। और ये देख लो हमारे
कढ़ाई की एक कुंडा तो है ही नहीं है। मम्मी इससे कैसे काम कर लेती हो? कर लेती हूँ, निकल गया कुंडा रखा इसके लगवाने। दिक्कत नहीं होता ये? आदत पड़ गई। हाँ, किचन में रह रहे के ना आदत पड़ ही जाती है। तो माही भी आ गई है आज। माही सुबह से दिखी क्यों नहीं भाई? मैं सुबह तो ट्यूशन गई थी। अच्छा, फिर मैं नहा ली। अच्छा, फिर सो गई। अच्छा, सोती रही फिर उठ गई। अच्छा माही, तुम्हारा रिजल्ट आ गया? कितने नंबर आए? 364। माही की तो बहुत अच्छे नंबर आया है ना? पास हो गई। अब कौन सी क्लास में आ गई? फिफ्थ में आई है। और ये देखो बाकी के सारे बच्चे आ गए। भाई तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया क्या? आ गया। कौन फर्स्ट आया है? फर्स्ट नहीं आया। कोई भी फर्स्ट नहीं आया? फोर्थ आई है। चलो भाई बढ़िया है। थर्ड आया। अच्छा कितने नंबर आए हिमांशी के? 416। और तान्या के? 450। 377। बढ़िया है। तेरे कितने आए? 323। बढ़िया है। कौन सी क्लास में आ गए अब तुम? सिक्स्थ में। वंश भी सेवंथ में आ गया है। वंश का भी रिजल्ट नहीं आया। और तान्या कौन सी क्लास में आई है? क्या मम्मी कुछ बोल रही है? क्या बोल रही है मम्मी? बोलो। वंस फर्स्ट आएगा। अच्छा वंस फर्स्ट आएगा, मम्मी कह रही है वंस फर्स्ट आएगा। और ये देखो मम्मी ने सब्जी भी बना दी। खुशबू आ रही है मम्मी, बहुत तेज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बड़ी की। हाँ मम्मी, मसाले तो तुम घर के ही डालती हो, मतलब खुशबू क्यों आती है? अब आज सुबह बन रही थी भिंडी तो बुआ की ना घर में तक खुशबू आ रही थी, है ना मम्मी? मैगी मसाला डाला है। हमारे हर सब्जी में मैगी मसाले डालते हैं, है ना मम्मी? मैगी मसाले से ही टेस्ट आ जाता है। बाकी गाइस भैया के मजे आ गए हैं। भैया की 3 दिन की ऑफिस की छुट्टी है क्योंकि कल है गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 3 दिन हम कुछ करने वाले, कुछ यूनिक सा। तो देखते हैं हमारा कल का दिन कैसा होता है क्योंकि कल है गुड फ्राइडे। तो गाइज अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।